नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी राजस्थान वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इसी के साथ मैं आपको बताते हैं कि अभी अभी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। एक ही परिवार की 5 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ क्षेत्र के पास तालाब में डूबकर 5 बच्चों की मौत हो गई है। उदयपुर के IG हिंगलाज दान ने बताया, एक ही परिवार की 5 बच्चों की मृत्यु का मामला सामने आया है, जो कि बड़ी दुखद घटना है। प्रशासन की तरफ से जो भी सहायता है वह तुरंत दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक मंगलवाड़ क्षेत्र के आसपास के तालाब बारिश की वजह से भरे हुए हैं। रविवार सुबह करीब 11 बजे 8 बच्चे तालाब पर नहाने गए, इनमें से 4 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। सूचना पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने तालाब से 5ों को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर पंकज कीर ने 5ों को मृत घोषित कर दिया। डूबे हुए 5ों बच्चे आपस में रिश्तेदार थे। जानकारी मिलते ही विधायक ललित ओस्तवाल मौके पर पहुंचे। विधायक ललित ओस्तवाल ने ग्रामीणों को बताया कि वह राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि यह जो मामला था हाईलाइट इसलिए था और आपके लिए अपडेट इसलिए दी थी कि आप भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, उन्हें ऐसी जगहों पर जाने से रोकें और उनको बताएं कि जहां पर पानी इकट्ठा है, क्योंकि मानसून सक्रिय हुए थे तो कहीं कहीं पर भारी बरसात हुई थी और वहां पर पानी इकट्ठा हो गया था, तो ऐसी जगहों पर जाने से बच्चों को रोकें, अन्यथा आपके साथ भी इस प्रकार का हादसा हो सकता है। राजस्थान से जुड़ी हर छोटी से छोटी हाईलाइट खबर सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट होती रहेगी, चाहे आप राजस्थान के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस